जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश और दमदार वीडियो में देखेंगे कितना मिलेगा। जी हां, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे में जमीन अधिग्रहण के बदले कितना मुआवजा मिल सकता है, एक आकलन करेंगे। साथ ही कोशिश करेंगे एक दो सवाल का जवाब देने का भी। स्वागत है आपके अपने चैनल औसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में, मैं राकेश। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, बालासोर में दुखद ट्रेन हादसों में मृतकों को श्रद्धांजलि। मेरा मानना है आधारभूत ढांचा का विकास हो, लेकिन सुरक्षा के साथ बिना कुछ समझौता किए हुए। अगले ही दिन बिहार में निर्माणाधीन आगवानी सुल्तानगंज ब्रिज तीसरी बार धराशायी हो गई, यह भी अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। जनता का 1700 करोड़ रुपए पानी में बहाया गया। समय समय पर अगर सही तरीके से निरीक्षण किया गया होता, इस साल के अंत में यह उद्घाटन होने वाला ब्रिज कोलैप्स नहीं होता। विडंबना यह है कि निर्माणाधीन एजेंसी एसपी सिंगला को अभी तक ब्लॉक लिस्ट में नहीं किया गया है, ये सोचने वाली बात है। अगर राष्ट्रीय और राजकीय लेवल पर किसी भी परियोजना के निर्माण में गड़बड़ी हो रही हो तो आपका हमारा फर्ज है, शिकायत दर्ज करवाएं। गोरखपुर सिलीगुड़ी सुपर एक्सप्रेसवे में होने वाले जमीन अधिग्रहण को लेकर आप लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। निर्माण कब शुरू होगा, यह भी पूछे जा रहे हैं। हालांकि मैंने एक पूरा वीडियो बनाकर बता चुका हूं, इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर लिंक दे दूंगा, उस वीडियो का जरूर देखें। सबसे पहले देख लेते हैं पर किलोमीटर जमीन अधिग्रहण में कितना खर्च किया जाना है, और वीडियो के अंत में स्क्वायर फीट कट्ठा और बीघा रेट भी जानेंगे उदाहरण के साथ। ज्ञात होगा कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 519.570 किलोमीटर है, तथा यह तीन राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। मैंने जिलावर कितना किलोमीटर बनाया जाना है इसका वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप हर एक जिला का हिस्सा देख सकते हैं। दो रूट में से दूसरा रूट यानी कि ऑप्शन दो को चयनित किया गया है। इस ऑप्शन दो रूट के अंतर्गत सीरियल नंबर 11 में देखें तो जमीन अधिग्रहण लगभग दाम का जिक्र किया गया है, यानी कि शुरुआती आकलन में 519.570 किलोमीटर सड़क निर्माण के जमीन अधिग्रहण करने के लिए 6,804 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, अर्थात हर एक किलोमीटर के जमीन अधिग्रहण पर लगभग 13.09 करोड़ रुपये, यानी कि 13.1 करोड़ रुपये खर्च किया जाना है। इसका मतलब हुआ कि मधुबनी जिला में जमीन अधिग्रहण के लिए लगभग 1260 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ऐसे ही अररिया जिला के लिए 763 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसी हिसाब से हर एक जिला का जमीन अधिग्रहण के लिए खर्च निकाला जा सकता है। ये तो हुआ हर एक किलोमीटर के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए खर्च, लेकिन इस पे कुछ बदलाव हो सकता है। जैसे कि किसी जिला में इस एक्सप्रेसवे का ज़्यादा हिस्सा अगर शहर के नज़दीक होते हुए गुजरे, अथवा आवासीय जमीन इसके अंतर्गत ज़्यादा आता हो, उस जिला के राशि बढ़ जाएगा, क्योंकि जमीन अधिग्रहण इस एरिया के सर्किल रेट के हिसाब से दिया जाएगा। सामान्यतः सर्किल रेट के 4 गुना के हिसाब से जमीन अधिग्रहण किया जाता है, क्योंकि 3 प्रकार के जमीन के लिए मुआवजा दिया जाना है, कृषि, आवासीय तथा व्यावसायिक, तथा तीनों प्रकार के जमीन के लिए अलग अलग सर्किल रेट संभव है। लेकिन कमोवेश लगभग 10-15% तक ही जिला के रेट में बदलाव होगा, क्योंकि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे एक 6-लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है और अधिकांश हिस्सा शहर से थोड़ा दूर ही बनाया जाएगा, इसीलिए पर किलोमीटर में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अपडेटेड नहीं हैं तो बता दूं, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का हर एक छोटा बड़ा अपडेट चैनल पर उपलब्ध है, तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक दे रखा है, जरूर देखें। अब देख लेते हैं पर कट्ठा और पर स्क्वायर फीट रेट क्या होगा। यहाँ पर स्क्वायर फीट इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि बिहार में हर एक जिला में कट्ठा का नापी अलग अलग ढंग से है। जैसे कि मधुबनी में लगभग 1900 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है और पटना में 1200 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है, अतः पर स्क्वायर फीट रेट एक स्टैंडर्ड रेट होगा, इसीलिए स्क्वायर फीट रेट निकालना जरूरी है। इसी हिसाब से आप लोग जिस भी जिला के निवासी हैं, अपने जिला का
पर कट्ठा रेट निकाल सकते हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे वाले क्षेत्र के पास्ट यानी कि पहले किस रेट से पैसे दिया गया है यह देखेंगे, क्योंकि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे गुजरने वाले क्षेत्र में पहले कई परियोजना पर काम किया जा चुका है और रेट उसी हिसाब से दिया गया है। परियोजना का नाम है भारतमाला परियोजना, किशनगंज से बहादुरगंज सेक्शन ग्रीन फील्ड 0 से 22 किलोमीटर तक। इस परियोजना के अंतर्गत जमीन का रेट क्या दिया गया है देखते हैं। जो भी जमीन मालिक हो, इनका जमीन था 0.04 हेक्टेयर। देखते हैं ये कितना स्क्वायर फीट होता है। यह होता है 430.56 स्क्वायर फीट और इनको मिला है 25,331 रुपये यानी कि 59 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट इनको मिला है। अगर इस जिला में 1900 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है तो पर कट्ठा रेट होता है 1,11,777 रुपये अर्थात 27,944 रुपये सर्किल रेट होगा इनको। हालांकि यह पुराना प्रोजेक्ट है, 2018 में इसके लिए जमीन अधिग्रहण किया गया था। दूसरा उदाहरण देखते हैं। लास्ट वीडियो में उमा गांव सहरसा कॉरिडोर पे वीडियो किया था, नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। इसी परियोजना के तहत एक रेट देख लेते हैं, नाम पर नहीं जाते हैं। जमीन अधिग्रहण हुआ है 0.38987 हेक्टेयर और जमीन की राशि मिला है 2,68,09,361 रुपये। अगर मुआवजा समय पर नहीं मिलता है तो इंटरेस्ट के साथ भुगतान किया जाता है। देखते हैं इनका कितना स्क्वायर फीट एरिया अधिग्रहण किया गया है। हेक्टेयर को फीट में बदल दें तो यह होता है 41,965 फीट और पर स्क्वायर फीट रेट होता है 638.85। अगर इस जिला में 1900 स्क्वायर फीट का इकट्ठा होता है तो कुल 22 कट्ठा जमीन अधिग्रहण हुआ है और एक कट्ठा का मूल्य 12,13,000 के लगभग होता है तथा सर्कल रेट होता है 3,03,000 के आसपास। क्योंकि उमा गांव सहरसा कॉरिडोर ब्राउनफील्ड परियोजना है जहां पहले से बने सड़क को चौड़ा किया जा गया है, अतः यह जमीन अधिग्रहण किसी आवासीय या कमर्शियल प्रॉपर्टी का मालूम प्रतीत होता है। एक और उदाहरण से समझते हैं। ये हैं चौधरी जी, इनका 0.10526 हेक्टेयर अधिग्रहण हुआ है जमीन अर्थात 11,330 फीट जमीन अधिग्रहण। कट्ठा अगर देखें तो 1900 स्क्वायर फीट का हो तो 5.96 कट्ठा यानी कि लगभग 6 कट्ठा जमीन अधिग्रहण हुआ है और इनको इसके लिए 89,27,000 के लगभग भुगतान किया गया है। इसके अनुसार पर स्क्वायर फीट रेट होता है 787.90 और एक कट्ठा का दाम 14,97,000 के लगभग होता है। चूंकि सर्किल रेट के 4 गुना अमाउंट राशि दिया जाता है अतः इनको 3,74,252 सर्किल रेट से राशि मिला होगा। जैसा कि पहले बताया, उमा गांव सहरसा कॉरिडोर एक ब्राउनफील्ड परियोजना है जिसको विस्तार कर 4 लेन बनाया जा रहा है अर्थात पहले से ही बने सड़क के बगल वाला जमीन अधिग्रहण किया है। स्वाभाविक है कि जमीन का दाम ज़्यादा होगा। कृषि व्यवसायिक रोड के बगल वाला सारे जमीन का कमोबेश 10 से 15-20% तक अभी इजाफा होके आपको राशि मिल सकती है। इस वीडियो में कुछ समझ ना आया है तो सवाल पूछ सकते हैं। भविष्य में जमीन के दाम पर कुछ और वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को अपने सारे दोस्त परिवार व्हाट्सएप ग्रुप में सोशल मीडिया ऐप पर जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।